चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत रूस से लेने जा रहा है। इस विषय में आज हम बात करेंगे कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, ये सिस्टम डिफेंस सिस्टम है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, और अमेरिका, रूस और भारत का आपस में इसके रिलेशन में क्या अंतर संबंध है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारत को तय समय पर रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करने जा रहा है, ये रूस द्वारा कहा गया है। ये घोषणा भारत में मौजूद रूस के राजदूत ने की है। उनका कहना है कि भारत के साथ जो पूर्व में तय समय है, उसी पूर्व समय में हम ये आपूर्ति भारत को करेंगे। S-400 को लेकर भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ था और उसको लेकर दोनों ही पक्ष अपने पुराने रुख को कायम रखे हुए हैं। दोनों ही पक्ष में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये चर्चा में है। इसके साथ ही रूस से भारत की इस निर्यात खरीद को लेकर अमेरिका जो है भारत से थोड़ा नाराज भी दिख रहा है। पर भारत पर अमेरिका काटसा कानून के जरिए प्रतिबंध लगाने की धमकी पूर्व में ही दे चुका है। ऐसे में इस तरह की बात दोबारा से होना ये बताता है कि अमेरिका का रुख इसकी तरफ अब भी नरम नहीं होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। रूस के द्वारा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-300 का विकास किया गया था, जब अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, उसी दौरान इसको बनाया गया था। S-300 शुरुआत में हमले में आने वाली जो क्रूज मिसाइलें हैं और जो विमान है उनसे रक्षा करने के लिए बनाया गया था वायु क्षेत्र में, लेकिन बाद में इस संस्करण को बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में भी सक्षम बना दिया गया था। इसके साथ ही रूस ने इसका एडवांस वर्जन बाद में बनाया, जिसको S-400 कहा जाता है, और ये वर्जन 2007 में तैयार हो गया था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक इसे माना जाता है। S-400 वर्तमान में दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली में से एक है। ये कई हमलों को एक साथ रोक सकता है, जैसे कि वस्तुएं, सभी प्रकार के विमान, मिसाइलें जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में होती है, उनको रोकने और उनका आने से पूर्व पता लगाने में ये पूर्णतः सक्षम है। इस वजह से ये काफ़ी फेमस भी है। अब हम पॉइंटर्स में बात कर लेते हैं कि इस S-400 प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता तो इसके ये है कि S-400 प्रणाली S-300 का उन्नत संस्करण है। S-400 लगभग 10,000 फीट यानी कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है। इसकी तैनाती में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है, यानी कि 5 से 10 मिनट में इसको तैनात करके इसका उपयोग किया जा सकता है। यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसमें से प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली इसको माना जाता है। यह सिस्टम इतना उन्नत है कि 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल को मार गिराने में ये पूर्णतः सक्षम है, और ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर सकता है। इसमें कुछ मैं आपको उदाहरण दूंगी कि अमेरिका के जो सबसे उन्नत फाइटर जेट हैं, जैसे कि F-35, F-16 और F-22, इनको भी मार गिराने में ये सक्षम है। S-400 प्रणाली से विमानों सहित क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों तथा जमीन के लक्ष्यों को भी साधा जा सकता है। मिसाइल सिस्टम की अधिकतम रफ्तार 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि एक सेकंड में ये इतना चल सकता है, और इसके नवीनतम संस्करण में यह हाइपरसोनिक गति से चलता है, यानी कि इसकी गति और भी बढ़ा दी गई है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस प्रणाली का भारत के लिए क्या महत्व है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और पाकिस्तान के साथ
साझा करता है। चीन से भारत की तरफ बार बार खतरा भी महसूस किया गया है। भारत चीन से 4000 किलोमीटर लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ऐसे में हमें लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली खरीदने की बहुत ज़रूरत थी। S-400 ट्रीएफ एंटी मिसाइल सिस्टम से भारत को ये सुरक्षा मिलेगी, वो अपनी सीमाओं को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रख पाएगा और दुश्मनों के किसी भी तरह के खतरे को नाकाम कर पाएगा। इसके अलावा भारत पर अगर किसी भी तरह का परमाणु हमला होता है तो उससे भी हम एडवांस में ही हमारा बचाव कर पाएंगे, ये इसकी खासियत है। मुख्यतः चीन और पाकिस्तान से जो भारत को खतरा महसूस होता है उससे भारत अपना बचाव कर पाएगा। यहाँ तक कि यह सिस्टम पाकिस्तान की सीमा में उड़ रहे विमानों को भी ट्रैक कर लेगा, या ये कहे कि अपने इंडिया के बाहर के जो दूसरे देशों की आसपास की टेरिटरी है वहाँ के विमानों को भी ये ट्रैक कर लेगा। तो भारत को तो इसको खरीदना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन इस सारे मुद्दे में अमेरिका का रुख थोड़ा सा सख्त है। वो क्यों है वो भी हम जान लेते हैं। अमेरिका को इस डील से आपत्ति है, क्यों विरोध कर रहा है वो भी हम जान लेते हैं। भारत जो है दुनिया में जो हथियार खरीदे जाते हैं दूसरे देशों से उसमें भारत प्रमुख देश है। ये बहुत ज़्यादा हथियार दूसरे देशों से खरीदता है। लगभग 12% जो है विश्व का आयात होता है दूसरे देशों से, भारत का 12% का हिस्सेदारी है। और भारत जितना अपना टोटल आयात करता है उसमें से लगभग 62% वो रूस से खरीदता है। अमेरिका को बस यही प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि जो बिजनेस इंडिया रशिया को दे रहा है वो अमेरिका को देना शुरू कर दे। इस वजह से अमेरिका विरोध कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से नहीं बल्कि उनसे हथियार खरीदे। और अमेरिका ये भी चाहता है कि जैसे इनकी ये S-400 प्रणाली है उसी तरह से अमेरिका की थर्ड प्रणाली है। तो अमेरिका चाहता है कि अब भारत जो है अमेरिका से थर्ड प्रणाली खरीदे, इस वजह से विरोध हो रहा है। S-400 सिस्टम अमेरिका की संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकी से बेहतरीन है, इसलिए भारत उनसे ये खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका बिल्कुल जो है चाहता है कि वो हम उनसे आयात निर्यात का व्यापार करें, इस वजह से उनका रुख थोड़ा सा अलग है। भारत के द्वारा रूस के साथ किया गया यह जो निर्यात समझौता है पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को ऐसी वायु रक्षा प्रणाली की सख्त ज़रूरत भी थी और ये दोनों मोर्चों पर भारत को मजबूत करेगा, इसलिए ये आवश्यक भी थी। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक हमने मोटा माटी सारा डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में से संबंधित कथनों के बारे में विचार कीजिए। कथन एक, S-400 प्रणाली S-200 का उन्नत संस्करण है। कथन दो, S-400 को सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना गया है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में पूछा गया था कि यूएन के समुद्र कानून के अनुसार एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन होता है, तो इसका सही जवाब है सी। समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील यानी कि 370 किलोमीटर तक की दूरी जो होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिकल जोन जो होती है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.